स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अभी आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन से अगर आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो अगर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा कनेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर। तो आपको सिंपली इस पर एक बार टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ब्लूटूथ का, आपको सिंपली इस पर भी टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ है, तो हमको आपको बस इस पर एक बार टैप कर देना और ये आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। जैसे आपका वाईफाई ऑन होगा तो आपके जो भी आसपास में ब्लूटूथ डिवाइस होंगे वो सारे स्कैन करके यहाँ पे शो करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे हमारे यूबोन के ये ईयरफोन आ चुके हैं, तो बस आपको उसके नेम पे एक बार टैप कर देना। यहाँ पर पेयरिंग होने लग जाएगा, जब तक पेयर होएगा तो कुछ फिर इस तरह की परमिशन आएगी, तो आपको पेयर पे क्लिक कर देना। पेयर पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके ब्लूटूथ ईयरफोन इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है कनेक्ट फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, 80% बैटरी भी दिखा रहा है ईयरफोन के। तो बस इस तरीके से आप भी अपने किसी सैमसंग के फ़ोन में ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई आज की वीडियो बस इतने। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।